नमस्ते, जय श्री राम। आज मैं अगस्त 2022 का वृश्चिक राशि का राशिफल बताता हूँ। ये राशिफल 1 अगस्त से लेकर 16-17 अगस्त तक और 16-17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक दोनों भाग में यही वीडियो में बताया जाएगा। अब वृश्चिक राशि के लिए जो ग्रह स्थिति है वो ये है कि 12th हाउस में केतु है, वृश्चिक राशि की 9th हाउस में सूर्य और शुक्र है। सूर्य आपका कर्माधिपति भी होते हैं और यहाँ पे भाग्य और कर्म का बहुत अच्छा संबंध बन गया है। 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र, 7th और 12th हाउस का लॉर्ड शुक्र जाके आपकी 9th हाउस में बैठे हैं, तो आपका जितना भी फॉरेन जाने का इच्छा था, फॉरेन जाने का आपका जितना भी बाधा आ रहा था वो सारे चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पर पति पत्नी के बीच थोड़ा संबंध खराब हो सकता है। जितने लोगों का डाइवोर्स का मामला आ जाएगा वो थोड़ा आप डिले कर लीजिए, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आए हैं तो थोड़ा डाइवोर्स तक पहुंच सकता है बात। बाकी आता है वृश्चिक राशि के लिए मेन योग कारक चंद्रमा होते हैं, पर चंद्रमा बहुत चंचल है। ढाई दिन बाद ही एक से बढ़कर एक राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो चंद्रमा का पोजीशन को लेके उतना घबराने का ज़रूरत नहीं है। थर्ड हाउस में शनि है, जितने भी लोग आईटी सेक्टर से जुड़े काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। पर फिफ्थ हाउस में इनका एस्पेक्ट आ रहा है तो प्यार संबंध में थोड़ा दरार आएगा, लव रिलेशनशिप ख़त्म भी हो सकता है, प्यार में धोखा भी मिल सकता है। पर जितने भी लोग प्रोफेशन के लिए सोच रहे थे कि डेवलपमेंट कैसे करें, आईटी सेक्टर में कैसे जाए, तो उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड गुरु फिफ्थ हाउस में गए हैं, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, राशि को देख रहे हैं वो भी अच्छा हो जाएगा। आपका नवम भाग्य में भी उदय हो जाएगा, पर भाग्य में डिले शनि लाएगा, गुरु उसमें उसका कमी पूरा कर देंगे। बाकी आते हैं फिफ्थ हाउस से उनका 11th हाउस में भी एस्पेक्ट आता है, तो 11th हाउस में आपका डिज़ायर का फुलफिल होता है, उसको भी पूरा करेगा। आपके संतान संबंधित चिंताएं बढ़ सकते हैं, पर संतान संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल में ही गोचर करने के बाद से ही ये प्रॉब्लम ख़त्म होना शुरू हो गया है। पर आपका राशि अधिपति मंगल जाके 6th हाउस में राहु के साथ बैठे हैं तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जो 6th हाउस होते हैं वो स्ट्रगल का जगह है, तो आप इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे, अब मंगल का गोचर जब 7th हाउस में हो जाएगा तो मैरिटल लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आएगा, पर आप जितने भी स्ट्रगल कर रहे थे वो सारा स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। लग्न में राशि में दृष्टि आएगा तो उग्रता बढ़ाएगा, सप्तम से वो 2nd हाउस को भी देखेगा, तो आपका जितना भी सेविंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम था वो थोड़ा ख़त्म कर देंगे। सप्तम से 10th हाउस को देखेगा तो आपके कर्म में वृद्धि करेगा। बाकी रह जाता है 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस को देखेगा तो थोड़ा स्ट्रगल भी बढ़ाएगा, पर लग्नेश है तो उसमें वृद्धि भी करेंगे। बाकी रह जाता है आपका बुध, जो 11th हाउस और 8th हाउस का अधिपति होते हैं, वो जाके 10th हाउस में बैठे हैं। अब 11th हाउस का लॉर्ड का 10th हाउस में जाना बहुत अच्छा हो गया है, पर 8th हाउस का 10th हाउस में जाने से ये हो जाता है कि आप अगर CID, CBI, NIA जितने भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड, पुलिस रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड काम कर रहे थे वो सारे चीज़ बहुत अच्छे से और भी आगे ले जा पाएंगे। एग्ज़ाम है तो क्रैक कर पाएंगे, जितने भी लोगों का इंटरव्यू है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 10th हाउस से संबंध वो 4th हाउस में भी बनाएगा, मन की जो अधीरता था उसमें कमी लाएगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका इंटेलिजेंस वृद्धि पाएगा। 5th हाउस में गुरु भी हैं, 4th हाउस में बुध का भी एस्पेक्ट आ गया है 4th हाउस में। बाकी जब बुध का गोचर आगे हो जाएगा तो प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा, और बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 6th हाउस में राहु बैठे हैं, आपका सारे के सारे दुश्मनों को वो अकेला ही ख़त्म कर देगा। 12th हाउस में केतु बैठे तो जितने भी लोग स्पिरिचुअल की रास्ते में जा रहे थे उन लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। सैय सुख में थोड़ा कमी लाएगा, 12th हाउस सैय सुख का भी जगह होते हैं। विदेश जाने के लिए जो कोई भी
अपना एफोर्ट लगा रहे थे, अब वो एफोर्ट लगाना कम कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। केतु का मामला ये है कि वो अब जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं, प्रॉब्लम है देना। थैंक्स फॉर लिसनिंग।